शहर के खामला परिसर के एक स्टेशनरी दुकान में आग लगने की वारदात शनिवार को सामने आई। मिली जानकारी के अनुसार दुकान मालिक शुक्रवार की रात करीब 10:30 बजे दुकान बंद कर घर चला गया। इसके बाद करीब 11 बजे के करीब उनको आग लगने की जानकारी फोन द्वारा मिली। वे घटनास्थल पर पहुंचे तब आग ने रौद्र रूप धारण किया था। पानी और अग्निशमन विभाग की मदद से आग पर काबू पा लिया गया, मगर इस हादसे में दुकान मालिक का 35 से 40 लाख रुपए का नुकसान हो गया। आग लगने की वजह अभी तक पता नहीं चल पाई है। आग हमको 10:30 बजे हम दुकान क्लोज करके घर गए। घर में हम बैठे ही थे तो आधे घंटे तकरीबन 11:15 के आसपास फ़ोन आया कि आपकी दुकान में आग लगी है। हम जैसे ही दुकान पहुंचे तो आग पूरी विकराल रूप ले चुकी थी। लोगों ने फायर को भी कर दिया था कॉल। हम लोगों ने अपने तरीके से कोशिश की, जब तक फायर भी आ गई तब तक आग विकराल रूप ले चुकी थी। तकरीबन 35 से 40 लाख रुपये का नुकसान हुआ है हमारा। पूरा दोनों फ्लोर में स्टेशनरी, पेंस, बुक्स, पेपर स्टेशनरी, फाइल्स वगैरह सब इस प्रकार का पूरा स्टॉक था हमारा, जिसमें कुछ भी अभी वापरने लायक नहीं है, सब पूरा जल चुका है। प्रशासन से हम उम्मीद करते हैं कि हमको जो भी आर्थिक सहायता दे सकते हैं करेंगे। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट ही समझ में आ रहा, बाकी तो ऐसी कोई चीज़ है नहीं। यहाँ पे करीब 25 से 30 गाड़ियों के ऊपर आ चुकी है और अभी भी आग बुझाना चालू ही है। कहीं कोने में कहीं कुछ रहा हुआ है तो पूरा चेक कर रहे हैं। नहीं, आसपास की बिल्डिंग को फिलहाल कोई तकलीफ नहीं हुई। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसी, BCN न्यूज़ नागपुर।